वालिदा का शरारती मंझला लड़का परवेज़ मुशर्रफ बचपन में पल्लो के नाम से क्यों पुकारा जाता था वालिदा के इनकशाफ सबक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशरफ़ के सियासी और फ़ौजी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतक़ मतद रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं ताहम उनकी ज़ाती ज़िंदगी बिलखसूस उनके बचपन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बचपन कैसा गुजरा क्या आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ़ बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे और उन्हें पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी आइये उनकी बचपन की मुख्तसर कहानी इस वीडियो में जानते हैं जनरल रिटायर्ड परवेज मुशरफ का जन्म 11 अगस्त उन्नीस को दिल्ली में सैयद मुशरफुद्दीन के घर में हुआ था परवेज मुशरफ उनके तीन बेटों में से मंजली औलाद थे जबकि जावेद मुशरफ बड़े और नवेद मुशरफ सबसे छोटे बेटे थे एक इंटरव्यू में बेगम सरीन सरफराज ने अपने बेटे परवेज मुशरफ से मुतक बताते हुए कहा था कि उनमें बचपन से ही कायदाना सालाहतें थी उनके तमाम दोस्त शरारत करने के लिए उनकी तरफ ही देखते थे ये बिल्कुल गैंग के लीडर हुआ करते थे ये बहुत शरारती लड़का था परवेज मुशरफ की वालदा का कहना था कि परवेज का ध्यान तालीम की तरफ बिल्कुल भी नहीं था और मैं अक्सर कहती थी कि या अल्लाह परवेज का क्या बनेगा एक दूसरे इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशरफ ने खुद बताया था कि उनकी वालदा उनके तालीम में दिलचस्पी न लेने के बायस अक्सर कहती थी कि इसे फौज में भेज दें उनका ख्याल था कि शायद फौज में ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता जबकि फौज में ज्यादा पढ़ना पड़ता है परवेज मुशरफ ने यह भी कहा था कि उन्हें और उनके भाइयों को बचपन में अपनी वालदा से बहुत डांट पड़ती थी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशरफ को बचपन में पल्लो के नाम से पुकारा जाता था परवेज मुशरफ का नाम पल्लो कैसे पढ़ा इस सवाल के जवाब में उनकी वालदा ने बताया था कि इसका नाम परवेज था तो इसलिए हम इसे पल्लो कहकर पुकारते थे बेगम जरीन मुशरफ ने अपने बेटे की किसी खास क्वालिटी से मुतालिक सवाल पर कहा था कि देखें मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मेरा बेटा है लेकिन हकीकत है कि ये हद दर्जे का महब्बुल वतन है परवेज़ मुशरफ़ की वालदा बेगम जरीन मुशरफ का इंतकाल पंद्रह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को दुबई में हुआ था उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशरफ के ख़ानदान के साथ दुबई में गुजारे थे अब तक के लिए इतना ही मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज